हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप दोस्तों? हम और आप देख रहे हैं दोनों टोटल नॉलेज, और दोस्तों टोटल नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही अभिनंदन है। और दोस्तों आज हम देखेंगे व्यक्तित्व टॉपिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप ध्यान से देखें। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। और भी अगर आप साइकोलॉजी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं या एनसीईआरटी के नोट्स देखना चाहते हैं तो मेरे मेरे चैनल टोटल नॉलेज पे जा सकते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे एनसीईआरटी के और साइकोलॉजी के, जिसपे मैंने केवल केवल महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। और आज भी मैं आपको व्यक्तित्व और पर्सनालिटी का जो है दो वीडियोस में पूरा का पूरा शेयर करूंगा। इसके बाहर से विश्वास करिए कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप दोस्तों नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि व्यक्तित्व किससे बना, तो आपको याद रखना अंग्रेजी के पर्सनालिटी का ये हिंदी रूपांतरण है, ट्रांसलेट किया गया है। और ये शब्द किससे बना है, तो आपको याद रखना लैटिन भाषा के परसोना से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नकाब या मास्क। हिंदी में कहेंगे नकाब और इंग्लिश में बोलते हैं मास्क। ठीक है, नाटक करते समय नायक जिसे पहनते थे, आपको देखो वेशभूषा अपना, लेकिन नायक क्या करता है, मास्क या नकाब का उपयोग करता है। शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को वेशभूषा अथवा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया, तो वेशभूषा अथवा दिखावे का, मतलब जैसा व्यक्ति दिखता था वैसा माना जाता था कि उसका व्यक्तित्व है। ये मैं बात कर रहा हूँ पुरानी विचारधारा की, पुरानी मान्यता जो थी पर्सनैलिटी को लेके। जिस व्यक्ति का पहनावा अच्छा होता था उसका व्यक्तित्व अच्छा होता था, जिसका सराहना होता था उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता था। लोगों को मानना था जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए, जिसका पहनावा अच्छा है, जो दिखने में अच्छा लग रहा है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा है। जिसके कपड़े साधारण है, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसका व्यक्तित्व भी क्या है, वैसा ही सामान्य है, अच्छा नहीं है। ठीक है, इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया, मतलब इसको नकार दिया गया, नहीं माना गया। धीरे धीरे व्यक्तित्व की 49 परिभाषाएं प्रस्तुत की, कितनी की गई थी, 49। हम बात करें मानक परिभाषाओं की, जो 50वीं परिभाषा दी वो दी थी आलपोर्ट ने। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बार बार पूछा जाता है खासकर पर्सनालिटी के संबंध में। और ये दी थी इन्होंने 1937 में, आपको याद रखना है किसने दी थी, अल्पोर्ट ने। कब दी थी, तो 1937। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये मानते हैं कि व्यक्ति के भीतर क्या होता है, ऐसा मनोशारीरिक सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो गतिशील है, जो हरदम मूव करता रहता है, गतिमान रहता है। और वो क्या करते हैं, लेकिन उसके अंदर समायोजन की एक अपूर्व क्षमता होती है, जो अपने आप को वातावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजित कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, ऐसा मानना है अल्पोर्ट का। ठीक है, पर्याय व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यवहार के उस विशेष पैटर्न से जिसमें चिंतन एवं संवेग भी शामिल होते हैं। इसमें क्या शामिल होते हैं, चिंतन और संवेग। संवेग का मतलब जैसे हम गुस्सा करना, हंसना, रोना, ये सारे हमारे क्या है, संवेग है, से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि ठीक है, इससे क्या हमें प्राप्त होता है, हम नीचे देखेंगे। व्यक्तित्व में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तत्वों का मिश्रण है। व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी में क्या है, फिजिकल भी है और ये मेंटल भी है, दोनों तत्वों का इसमें मिश्रण है। जैसे ग्रंथीय क्रियातंत्रिक क्रिया, मतलब जो न्यूरल प्रोसेस है वो, और ज्ञान शक्ति जो हमारे इंटेलेक्ट प्रोसेस है वो, संवेग हो गया, आदत हो गया, चरित्र हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व क्या है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही गुणों का इसमें मेल होता है, दोनों ही तत्वों का इसमें मेल होता है। व्यक्तित्व के शारीरिक और मानसिक गुणों के संगठन में परिवर्तन भी होता रहता है। जो व्यक्तित्व के शारीरिक और मानसिक गुण है, संगठन में परिवर्तन क्या होता है, इसमें बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे नौकरी प्राप्त करने से पूर्व एक बालक व्यक्ति, एक बालक है, अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या करता है, मान लीजिए पहले वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, समयनिष्ठ है एवं ईमानदार है, लेकिन हो सकता है जब उसको नौकरी मिल जाए तो ये सारे चीज़ उसके बदल जाए, अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन ना करे, समय का पालन अच्छे से ना करे, और जो जो ईमानदारी उसके अंदर थी उसको भी वो छोड़ दे। ठीक है, तो इस अर्थात इससे क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति का स्वरूप है वो गत्यात्मक है, यानी वो चिंता रहता है, वो बदलता रहता है। जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा कि पहले वो ईमानदार था, लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी ईमानदारी बदल जाती है। व्यक्तित्व तो वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व तो क्या होता है, जो वातावरण के साथ अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल लेता है।
प्रत्येक व्यक्ति समान परिस्थितियों में घटनाओं पर अलग अलग ढंग से समायोजित होता है। और हाँ, व्यक्ति भिन्न है, हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, जो वहाँ पे बात करूँगा मैं आपसे। आपको पता है हर व्यक्ति भिन्न है। जैसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक आदमी उसे उठाने जाता है, एक आदमी खड़ा होकर तमाशे के रूप में देखता है, और तीसरा आदमी क्या ध्यान देता वो आगे बढ़ जाता है। तो हर अंदर के आदमी के अंदर क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब हर तीन व्यक्ति के बारे में बात की, तीनों की पर्सनैलिटी क्या है, अलग अलग है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न शीलगुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है, जिस कारण व्यक्ति का व्यवहारता विचार किसी वातावरण ढंग का होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, सारे व्यक्तियों का जो विचार है वो अपने अपने ढंग का है, किसी व्यक्ति का एक तरीके का नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अपने संपूर्ण रूप में बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का प्रयोजन रखती है। अगर बालक की बात की जाए शिक्षा में, तो ये सर्वांगीण विकास की बात करती है, कि बालक के सर्वांगीण विकास के रूप में यहाँ पे हम व्यक्तित्व को देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बालक की। मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जा सकता है कि व्यक्ति स्वयं में जो कुछ भी है वही उसका व्यक्तित्व है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसके व्यवहार के अंदर जो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, वही क्या है, वही उसका व्यक्तित्व है, वही उसकी पर्सनैलिटी है। अब व्यक्तित्व की हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। मतलब जितने भी व्यक्ति के अंदर गुण है उसका समन्वित रूप क्या है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व के व्यवहार व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। मतलब जितनी भी उसके अंदर विशेषताएं हैं, जितनी भी क्वालिटी है, सबको मिला क्या बनता है, इनका मानना है व्यक्तित्व बनता है, ऐसा मानना है वुडवर्थ का। मार्टन कहते हैं कि व्यक्ति के जन्मजात व्यक्ति के अंदर कहना है कि जन्मजात गुण होते हैं, कुछ अर्जित होते हैं, कुछ उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं, भावनाएं तथा इच्छाएं, और इन सबको इन मिलाने पर क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है, ऐसा मानना है मार्टन का। बोरी कहते हैं कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलता है उसके साथ सामान्य रूप से या स्थायी रूप से ढल जाना, एडजस्ट कर जाना, उनका मानना है कि वही व्यक्तित्व है। मन कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता तथा रुचियों के विशिष्टतम संगठन है। इनका मानना है कि जो व्यक्ति का देखने का तरीका है, काम करने का तरीका है, एबिलिटी है, अभिरुचि है, उसका जो संगठन है उसको अगर इकट्ठा कर दी जाए तो क्या है, वो व्यक्तित्व है, ऐसा मानना है मन का। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का ऐसा गतिशील संगठन है। आपको ध्यान देना है कैसा है, तो मानसिक एवं शारीरिक गुणों का ये गतिशील संगठन है। यानी इसमें मानसिक गुण भी होते हैं और शारीरिक गुण भी होते हैं, लेकिन क्या होता है, गतिशील होता है, मूवेबल होता है, मूव करता रहता है, बदलता रहता है, जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है। और वही क्या करता है, व्यक्ति वो वातावरण परिस्थितियों कैसे अपने आप को ढालना है यह निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और इस सिद्धांतों को मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो अभी हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार को। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत किसने दिया, तो आपको रखना है, याद रखना है, हिप्पोक्रेटस ने दिया। वो दिया था 400 BC में। ठीक है, पहला व्यक्तित्व के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का वर्गीकरण तो किया गया सत्गुण, रजगुण और तमगुण। सत, तम और रज कहा गया है, और एक किया गया दूसरा कफ, पित्त और वात के आधार पे। तो हम अभी देखेंगे सत, रज और तम। सत वाला व्यक्ति क्या होता है कि वो आदर्श और श्रेष्ठ मूल्य वाला होता है, उत्तम स्वभाव वाला होता है, उसका वो नैतिक मूल्य, मतलब इथिकल वैल्यूज इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। और हम जानते हैं पहले, और जो तमोगुण हम जान लेते हैं, फिर हम रज के बारे में। रज वाला व्यक्ति क्या होता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, आलसी होता है, अमानवीय टाइप का व्यवहार वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत क्रोध होता है, गुस्सा होता है, इसके अंदर ह्यूमन नेचर नहीं होता, मतलब मानव को लेके मानव वाला व्यवहार नहीं करता, ये थोड़े क्रूर टाइप के लोग होते हैं। और रजोगुण होता है वो सत और तम दोनों मिले होते हैं, इसके अंदर कुछ अच्छे भी गुण होते हैं और कुछ बुरे गुण भी होते हैं रज के अंदर। अब हम बात करते हैं पश्चात दृष्टिकोण। एक और दृष्टिकोण है जो आपको याद रखना है, वो दृष्टिकोण है भारतीय, हम मैंने बात की कफ, पित्त और वात। ठीक है, वो भी अगर पूछा जाए तो याद रखना है, यो भारतीय दृष्टिकोण है। अब पश्चात दृष्टिकोण से हम देखते हैं सेल्डन के अनुसार। सेल्डन ने शारीरिक संरचना आधार पर व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है कि व्यक्तित्व कैसे होते हैं। तो इन्होंने आकार के आधार पर एक बनाया है गोलाकार, इन्होंने आकार के आधार पर बांटा है, यानी शारीरिक संरचना के आधार पर याद रखना है किसने बांटा है, तो सेल्डन ने बांटा है। इन्होंने माना है गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। ठीक है, स्प्रिंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने कितने प्रकार किया है, तो इन्होंने किया है समाजशास्त्र के आधार पर। पूछा जाता है
समाजशास्त्र दृष्टिकोण से वर्गीकरण किसने किया है, तो आपको याद रखना है स्प्रिंग ने, और कितने में किया है तो 6 में किया है। पहला सैद्धांतिक, इसमें मानना है इस श्रेणी में कवि, लेखक, दार्शनिक आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। सैद्धांतिक वाले में इन्होंने मानना है कि कवि लेखक जो होते हैं वो इसमें आते हैं। आर्थिक में हो गए जो व्यापारी हो गया, दुकानदार हो गया, उद्योगपति हो गए, वो आ गए आपके आर्थिक में। सामाजिक में कौन आता है, जो सहानुभूति रखता है, जो सहिष्णुता है, जिसके अंदर दया है, या समाज प्रेम की भावना है, देश प्रेम की भावना है, उसको इन्होंने सामाजिक के अंदर रखा है। राजनीति के अंदर में कौन रखता है, जो राजनीति था प्रशासन में भाग लेते हैं। सौंदर्य सौंदर्यात्मक कौन है, जो कलाकार हैं, मूर्तिकार, साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी, को इन्होंने रखा है। धार्मिक श्रेणी में वह हैं जैसे संत, पुजारी, भक्त, यानी जो पूजा अर्चना करते हैं। थार्नडाइक ने भी तीन माने, सूक्ष्म विचार, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। इनका जो है वो आइडियाज के आधार पे है, विचार के आधार पे। आपको याद रखना है कि थार्नडाइक ने कैसे माना, तो विचारों के आधार पे, और विचार कितने हैं, तीन, सूक्ष्म, प्रथम और स्थूल, ठीक है। जंग ने तीन माना है, ये इन्होंने गुण के आधार पर माना है, जैसे अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी हो गया और उभयमुखी हो गया, ठीक है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पढ़ा होगा आपने, तो ये व्यक्ति के गुण के आधार पर माना है। जो आधुनिक वर्गीकरण, उसमें भाविक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति तीन है। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक को दो भागों में बांटा गया है। एक है जैविकीय वंशानुक्रम संबंधी कारक, और दूसरा है सामाजिक व वातावरणीय कारक। जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक में क्या आता है, आप जैविक, आपका शारीरिक बनावट हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बौद्धिक योग्यता हो गई, स्नायु मंडल हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, किसमें आएंगे, जैविक यानी बायोलॉजिकल जो है उसमें आएंगे ये। सामाजिक यानी सोशल, और जो वातावरणीय कारक उसमें क्या आएगा, परिवार, जहाँ रहते हैं आप, मित्र मंडली हो गई, विद्यालय हो गया, आस पड़ोस हो गया, भौतिक वातावरण हो गया, सांस्कृतिक वातावरण हो गया। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। इस वीडियो में केवल आपसे दो मापन के बारे में चर्चा करूंगा, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। बाकी वीडियो को मैं आपसे डिटेल में, ताकि मैं फ्रॉइड की अच्छे चर्चा कर पाऊँ, अगले वीडियो में करूँगा, तो आप उसे जरूर देखें, तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि फ्रॉइड का बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो आइए हम देखते हैं पहले आत्मनिष्ठ विधि क्या है। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि कहते हैं, इन विधियों में आत्मकथा विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि आती है, ठीक है। आत्मकथा विधि विलियम वुंड तथा टिचनर इस विधि के प्रवर्तक है। पूछा जाता है कि आत्मनिधि विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना है विलियम वुंड और टिचनर, ठीक है। इस विधि में परीक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए एक शिक्षक देता है, उन्हें टॉपिक देता है और कहता है कि इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप जीवन से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित आप इतिहास लिखें, अपनी हिस्ट्री लिखें, और विद्यार्थी द्वारा लिखे गए हिस्ट्री के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इसके कहते हैं हम आत्मकथा विधि। अगला है साक्षात्कार विधि। यह विधि अमेरिका में प्रारंभ हुई थी। इस विधि में परीक्षक और परीक्षार्थी आमने सामने होते हैं, मतलब एक प्रकार से इनका इंटरव्यू लिया जाता है। परीक्षक परीक्षार्थी को प्रश्न पूछता है, जो एग्जामिनर होता है वो परीक्षार्थी से प्रश्न पूछता है, परीक्षार्थी उन प्रश्नों का उत्तर देता है, परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तर को उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, और उसके द्वारा दिए गए प्रश्नों के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला है व्यक्ति इतिहास विधि। यह विधि भी पूछा जाता है किसने दिया, तो आपको याद रखना है ये दिया टाइड मैन द्वारा। ये विधि दी गई है टाइड मैन के द्वारा। इस विधि में परीक्षक विद्यार्थी के जीवन के बारे में तथ्य एकत्रित करता है। परीक्षक क्या करता है, जो विद्यार्थी है, जो परीक्षार्थी है, उसके बारे में ढेर सारे एविडेंसेस इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, और उसके बाद उसका वो मूल्यांकन करता है। यह विधि निदानात्मक पे आधारित है, ठीक है। हम रिमेडियल जो होती है उसमें क्या करते हैं, निदान करते हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चे का उपचार करते हैं, तो उसी विधि पे ये भी आधारित है। और सामान्य बालकों का निदान इस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्नावली विधि। इस विधि का व्यक्तिगत अनुसूची भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब पर्सनल अनुसूची है ये, पर्सनल डिटेल्स होते हैं। पुटवर्थ द्वारा सबसे पहले पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का निर्माण किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पर्सनल डाटा इन्वेंटरी किसने बनाई, तो ये आपको याद रखना है वुडवर्थ ने बनाई थी। इस विधि में परीक्षक द्वारा प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है, इन प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को हाँ या ना में देना है, मतलब क्वेश्चनायर तैयार किया जाता है, जिसमें उसके पास केवल ऑप्शन रहता है कि आपको हाँ या ना में ही जवाब देना है, और उसमें वो जवाब देता है। इस विधि को हम कहते हैं प्रश्नावली विधि। अगला है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। निरीक्षण विधि, इस विधि को बहिर्दर्शन विधि के व सार्वभौमिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम जानते हैं, बहिर्दर्शन या सार्वभौमिक विधि से नाम जानते हैं, और उसको याद रखना किसने दिया, ये विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना है वॉटसन ने इसे दिया।
इस विधि में परीक्षार्थी के व्यवहार को आप भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। परीक्षार्थी क्या करते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ दी जाती हैं और उस परिस्थितियों में इनका अध्ययन किया जाता है। समाजमिति विधि, यह विधि जेएल मोरेन द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई ये पूछा जाता है। सारी विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आप याद जरूर कर लें। जेएल मोरेन द्वारा दी गई इस विधि में परीक्षार्थी से संबंधित सामाजिक प्रश्न समाज के व्यक्तियों से पूछे जाते हैं। समाज के बारे में व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम कहते हैं समाजमिति विधि। क्रम निर्धारण मापनी, ठीक है, इसमें क्रम निर्धारण मापनी विधि में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करके परीक्षार्थियों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, क्रम निर्धारण विधि में कि व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित कर, हम क्या करते हैं, व्यक्तियों से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, परीक्षार्थी के बारे में निष्कर्ष निकाल जाता है, उस आंकड़ों के आधार पर हम उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। अगला हमारा शारीरिक परीक्षण विधि, इस विधि में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है। बच्चे का जो बालक है या कोई भी है व्यक्ति है, उसके पूरे शरीर का फिजिकल हम उसका टेस्ट करते हैं। जैसे इस विधि का उपयोग पुलिस, वायुसेना, थल सेना, जल सेना की शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय भी किया जाता है। दोस्तों ये तो हमारा वीडियो, अगले वीडियो में मैं आपसे फ्राइड के और जो दो विधियां बची हैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों ऐसे ही बने रहें आप और देखते रहें, और अंत तक देखने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।